यू गाइस डोंट नो मी, माय नेम इज जनार्दन एंड आई एक्चुअली स्टडी इन स्मॉलिंग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। और आज है 12th of June एंड आज मैं जा रहा हूँ मॉस्को। हम जाएंगे ट्रेन या बस से नहीं जाएंगे, हम करेंगे हिच हाइक का मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होगा। हिच हाइक का मतलब होता है कि लिफ्ट मांग के जाना, जो भी मतलब रोड पे कार मिले मतलब लिफ्ट मांग के जाना, ना कि बस या ट्रेन से जाना, फिर इसी को हिच हाइकिंग कहते हैं। तो उसी से जाएंगे, मतलब मैं हिच हाइकिंग बहुत कर चुका हूँ, मतलब आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो। एंड आज क्लाइमेट अच्छा है वैसे, देख सकते हो आप। आज मतलब मॉस्को जा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड भी है, हमको मतलब पेरेंट्स सारे मतलब उसके पेरेंट्स सारे 13 को एयरपोर्ट पे मतलब उनको पिक करना है एयरपोर्ट से। सो हमने सोचा कि हिच हाइक किया जाए, मतलब लास्ट टाइम मतलब क्योंकि हमारे 16 जून को डिग्री है, मतलब हिच हाइक करने वापस मिलेगा नहीं रशिया में। सो फिर हमने सोचा कि लास्ट टाइम एक बार हिच हाइक कर दे। और पेरेंट्स आ रहे वैसे 13 को शाम में या दोपहर में आ रहे हैं, फ्लाइट है उनका। सो देखते हैं, ये जर्नी मतलब मज़ेदार होने वाला है। मॉस्को का बोर्ड बनाया मैंने, रशियन में मॉस्को लिखा है मस्कवा, और इसमें थोड़ा बैग में सब सामान भरा है थोड़ा, एक दिन का मोस्टली खाने पीने का ही है सब, क्योंकि खाने पीने की मतलब हिच हाइकिंग में बहुत काम आएगा ये सब। और अभी मैं हॉस्टल से निकल गया हूँ, मतलब मुझे एक बस पकड़नी है यहाँ से, बस नंबर मतलब यहाँ से मतलब हॉस्टल के सामने बस स्टॉप है, वहाँ से बस पकड़नी है। एंड देन थोड़ा सिटी के बाहर जाने का ट्राई कर रहा है क्योंकि वो सिटी के अंदर हूँ मैं अभी, और सिटी के अंदर से मतलब राइड नहीं मिल पाता। आपको मतलब हिच हाइकिंग करना है तो फिर बेस्ट होगा कि आप सिटी के बाहर जाओ, कोई हाईवे ढूंढो जो डायरेक्ट आपके सिटी के दूसरे सिटी को कनेक्ट करता है। तो फिर यही मतलब मेजर मेन काम है, आपको बस सिटी के बाहर जाना है। और अभी आ गया हूँ, थोड़ा सा सिटी के बाहर आ गया बोल सकते हो, मतलब पूरा नहीं आया अभी तक, थोड़ा सा। एक बस मुझे यहाँ से एक और पकड़नी है बस, एंड यहाँ से एक और बस पकड़ के हाईवे की तरफ जाएंगे एंड वहाँ से लिफ्ट मांगना चालू कर देंगे। मेरे साथ एक्चुअली एक फ्रेंड भी आ रहा है यहाँ पे मेरा, सो उसके लिए वेट करेंगे, वो एक्चुअली दूसरे हॉस्टल में रहता है। ऑलमोस्ट 8:20 हो रहा है एंड हम हाईवे तक पहुँचते पहुँचते 9:30 पहुँच जाएगा, एक घंटा लगेगा और हमको यहाँ से हाईवे पहुँचने को। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बस के लिए लाइन लगा के खड़े हैं, बस अभी तक आई नहीं है। वैसे आज रशिया में नेशनल हॉलीडे है वैसे, नेशनल रशिया डे बोलते हैं उसको, दिन रोशी बोलते हैं उसकी, वो है आज, क्योंकि पता नहीं आज छुट्टी है लोगों को, फिर भी कहाँ जा रहे हैं, कैसे घूमने जा रहे हो। और ये यहाँ पे आ गए हैं मेरे दोस्त, इस साइड से कहाँ से आया तू भाई? 37 यहाँ, मेरे को लगा यहाँ पे आने वाले, मैं इसलिए यहाँ पे रुक रहा हूँ। सर दिखा रहा था जिस भी तरफ और है। अच्छा, अरे एक और बस पकड़नी है वहाँ से, पकड़नी जो वहाँ से आया ना वहीं से पकड़नी है, उस तरफ से पकड़नी है। और बस में आ गए हम 147। ये कुछ करना है, पे करना है। कैसा लग रहा है भाई, फर्स्ट टाइम? हम एक्साइटेड है, लेकिन बात ये कि हम ढूंढ रहे थे बस का स्टॉप जो कि हमारे बाजू में था। हाँ, बस आई नहीं रही थी, बस टाइम पे आ गया बस। बाहर निकले एंड अभी हाईवे की तरफ, एग्जैक्ट हाईवे पर नहीं आए हैं बट हाईवे ही बोल सकते हो, ये मॉस्को का बोर्ड साइन बोर्ड बना लिया है ताकि लोगों को आसानी हो कि गाड़ी रोकने में, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी थोड़ा यहाँ से लिफ्ट मांगे या फिर आगे से लिफ्ट मांगे या फिर जो भी है डिसाइड करते हैं अभी क्या करना है। यहाँ पे लोकेशन ढूंढे अच्छा, यहाँ पे कैसा क्या है, मतलब ये जर्नी बहुत एक्साइटिंग होने वाली, क्या बोलना चाहोगे आप? बहुत ही एक्साइटेड, मेरे लिए तो फर्स्ट है, लेकिन जेडी भाई एक्सपीरियंस्ड है, आपको नहीं पता तो आप इनके आगे के वीडियोज देख सकते हो, बहुत ही चेकिंग किया है इन्होंने, तो मेरे लिए फर्स्ट है और एक्साइटिंग तो रहेंगे। हाँ। आपके लिए भी एक्साइटिंग रखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। हमको पता नहीं भाई कुछ राइड मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, टेंट भी नहीं हमारे पास, तो देखते हैं कैसा क्या होने वाला है। अभी हिच हाइक करना मतलब स्टार्ट करते हैं यहाँ से लिफ्ट मांगना, पीछे हमारे वहाँ पे है पेट्रोल पंप है एंड यहाँ पे पूरा गाँव है, पीछे मतलब विलेज एरिया है ये पूरा, देखते हैं अभी हिच हाइक यहीं से करेंगे हम। ना प्राव आदा और तू दा बोल रही है कि राइट जाओ वहां से, यहां से ज्यादा रहे। इतना भी अच्छा सिस्टम है, तो ये बुचवा मस्त है।
Ну хорошо, я пойду тогда прямо. Ну через 10 минут. Спасибо, до свидания. Спасибо. ये ऐसे लोग मिल जाते हैं आपको. बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, आपको सजेशन देते हैं कुछ कुछ पर आप सभी लोग बोल रहे हैं पर आपको यही कर रहा है जो आपकी दिल की आपकी गट फीलिंग जो आती है वो करना चाहिए. और अभी हमको हुआ है ऑलमोस्ट 20 मिनट यहाँ से राइड मांगते हुए, मतलब कोई ज़्यादा रोका नहीं. और आप देख सकते हो रोड भी पूरा खाली हो गया, गाड़ी ट्रैफिक नहीं है. आज सुबह का 10:30 बज रहा है एंड अभी हम 10 मिनट और लिफ्ट मांगेंगे यहाँ से. एंड उसके बाद अगर नहीं मिलता है लिफ्ट, ये रोड जाता है सीधा पूरा, तो सीधा जाके लिफ्ट मांगेंगे. तो फिर यहाँ से 10 मिनट लिफ्ट मांगते हैं. आपका मतलब जो गट फीलिंग होता है उसकी सुनो, मतलब आपको बहुत लोग सजेशन देंगे कि यहाँ जाओ वहाँ जा, बट आपको जो करना है वही करो. आप एक घंटे पे आप एक दो घंटा करा रह सकते हो, उसके बाद अगर नहीं मिल रहा तो फिर आप चेंज कर सकते हो. सो अभी राइड मांग रहे हैं, अभी 5-10 मिनट ही हुआ है हमको और कंटिन्यू करेंगे अभी यहाँ से. देखते हैं, ध्रुव भाई राइड मांग रहे हैं अभी. टेम्पो आ रहा है भाई. अभी हमको वहाँ पे हुआ तो ऑलमोस्ट आधा घंटा और राइड मिली नहीं थी. अभी हम जाएंगे आगे से राइड, थोड़ा पीछे आप देख सकते हो मॉस्को का बोर्ड है, राइड लगाया है उधर. चलो फिर चलते. क्या बोलना चाहोगे आप, मतलब एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे ना? नहीं, रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा कर रहे थे. मतलब सीधा जा रहे, साइड जा रहे, जो भी कर रहे, इन शॉर्ट वो पढ़ तो रहे. लगा कि भाई शायद वेस्ट हो रहा है, पूरा वेस्ट हो रहा है हाथ लगा के, लेकिन पढ़ रहे लोग, लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. कोई हंस रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई आगे क्या, कोई थम्स अप दिखा रहा है. पर अच्छा है कि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. पर अभी सुबह का टाइम है इसलिए राइड नहीं मिल रहा, बट मैं मतलब आपको गारंटी देता हूँ कि राइड मिल जाएगा और आप मॉस्को पहुँच जाएंगे आज. जो भी मिलता है यहीं पे कोई गाँव में साइड में आ गया. अरे नहीं, जाने का भाई, जो भी है लेने का भाई. एक राइड मिल गया है छोटा मोटा 10 किलोमीटर. दस तोल का होना द्वास द्वे सुन की. चलो ये साफ करे थोड़ा, 10 किलोमीटर आएगा. जा अंदर बैठ जाएगा. जो भी करो लेने का, ठीक है. एक फर्स्ट राइड 9:30 को मिल गया है, 10 किलोमीटर का ही है ये राइड, ठीक है. जाएंगे अभी मॉस्को. पर मेरा मतलब ये टिप रहेगा कि आपको मतलब जो भी राइड मिलता है छोटा या मोटा 1-2 किलोमीटर ले लो, मतलब मना मत करो किसी को, यही बोलना चाहूँगा मैं. ग्रुप एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड, मतलब पता नहीं चलता कब आ जाएगी राइड. कभी भी मिल सकता है. और जब वो गाड़ी रुकती है ना, वो हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है भाई. ये जाएगा कि डायरेक्ट जाएगा या फिर कितना किलोमीटर का राइड है मेरी बात. ब्रद काकवास साउथ, काकवास मिन्या चौथ जनार्दन ओचिन प्रिया था माई वीडियो माई यूट्यूब माई वीक मस्कुए दिया प्रोस्तो जबीरायु मैं रोजी तेली एयरपोर्ट तुम पता मुझे उनास डिप्लोम ना शिशनाथ सत्यून रोजी तेली प्रीदूत ना एयरपोर्ट जाउत्र. सो ये राइड जो है मतलब ऑलमोस्ट है 60-70 किलोमीटर का. हमने शायद सुनने में गलती कर दिया था, 60-70 किलोमीटर का राइड है. एक सिटी है सुचेत, वो दूधर तक राइड है. ये यारसेस वो एक सिटी, उससे आगे थोड़ी उधर ही जाएंगे. फिर आप देख सकते हो साइड में पूरा जंगल है. ये पूछ रहे कि ये ध्रुव भाई जो टीका लगाते हैं, ध्रुव भाई यहाँ देखो थोड़ा, ये टीका क्यों लगाते हैं यही पूछ रहे हैं. तो इनको सब समझा दिया हमने, चिकन विकन नहीं खाते ये सब. वो बोल रहे साउथ की मूवी में ऐसे किसे होता है, कोई फाइट मार रहा है, कोई बोल रहा है. दा दा दा. Igor, mnogo ljudi iz Indije smotre vaše video na YouTube. A što vi možete govoriti imu? A ljudem? Da, indijski. Na YouTube, YouTube kanal. Это будет на YouTube. А, я понял. Любите друг друга, будьте счастливы. Прощайте друг друга. А вы?
нет войне. Нет войны. Да, и это тоже, нет войне, конечно. На мир, я на мир. Ну вообще, это самое, пацифист. ये इगोर भाई है, इनका प्रोफेशन हमने पूछा इनसे, तो बोलते ये कहीं भी चढ़ जाते हैं। चढ़ते कैसे है तो थोड़ा डाउट हुआ हमको, तो हमने बोला कि भाई बताइए, तो ये बता रहे अभी हमको। जी हाँ, ये देखिए कहाँ चढ़ गए ये गांडू साहब, कहाँ चढ़ गए। जी हाँ, अच्छा लश तो सिर्फ जाड़ कट करने के लिए चढ़ गए थे ऊपर, और मतलब हमको आधे घंटे में राइड मिल गया था ये, तो फिर मतलब और आपको क्या चाहिए, मतलब ट्रेन से जाओगे आप, ट्रेन से बस से जाओगे तो फिर कैसे भी पहुंचे जाओगे, बट ये मजा जो है अलग है, इसमें मतलब आपको अलग ही मजा आता है, मतलब आपको पता नहीं होता राइड मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मिल जाएगी तो फिर कहाँ तक मिलेगी वो। ये सब मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर आपको रशिया में अच्छा एक्सपीरियंस, ऐसा सब एक्सपीरियंस लेना है तो फिर ये ऐसा ट्रैवल एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रैवल कर सकते हो, ऐसा फ्री में आप पहुंच रहा हो कहीं भी, आराम से गाड़ी में बैठा हूं मैं अभी और पहुंच जाएंगे अभी। मेन तो है कि जो ड्राइवर अगर आपको रुका रहा है आपको, उसके साथ इंटरेक्शन होता है आपका, और अगर आपको रशियन अच्छे से आती है तो बहुत ही अच्छे से हम उनसे बात कर सकते हैं, वो हमसे हमारे कल्चर के बारे में पूछता है, इन्होंने पूछा हम उनके बारे में पूछ सकते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम तो निकलता ही है, प्लस आपको कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, हाँ आपके नए नए दोस्त बनते हैं यहाँ पे, और आपकी रशियन भी इम्प्रूव हो जाती है यहाँ पे, ऐसा होता है। और ये साइड पे पूरा जंगल है, ये देख सकते हो आप, सिटी में जा रहे हैं, पता नहीं अभी कितने किलोमीटर का राइड है, 70-80 किलोमीटर का ऑलमोस्ट है ये, देखते हैं अभी वहाँ से भी कंटिन्यू करेंगे। मेरा मानना है कि हम 4 बजे तक मॉस्को पहुँच जाएंगे, तो मेरे को पेरेंट्स वैसे कल आ रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है ये, बहुत एक्साइटेड, तो हिचहाइकिंग का एक्साइटमेंट है, बट से पेरेंट्स आ रहे हैं तो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और ये है व्याजमा, व्याजमा से राइड मांगेंगे यहाँ पे। अभी हम है व्याजमा में, व्याजमा से अभी मॉस्को बस 230 किलोमीटर और यहाँ से अभी वापस राइड मांगेंगे। कैसा लगा आपको भाई, मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। डायरेक्ट बहुत बड़ी राइड मिल गया, बहुत ज्यादा बड़ी राइड मिल गया, फर्स्ट ही राइड थी, बहुत अच्छी, और अच्छी जगह पे रोका है इन्होंने, ताकि हम यहाँ से लिफ्ट आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी देखते हैं अभी कहाँ से लिफ्ट मांगना है। लेट्स स्टार्ट जेडी भाई। व्याजमा मतलब ये गाँव है मोरंग से थोड़ा दूर, उसके उस वहाँ से लिफ्ट मांग रहे हैं अभी हम, अभी 230 किलोमीटर ही बचा है, मेरे को मैं लगता है मिल जाएगा ये श्राइन बोर्ड से, मतलब बहुत आसानी होती है लोगों को। कम ऑन यो हिचहाइकिंग डे 1 सेशन 2 फ्रॉम व्याजमा। ये लंच हो गया है, अभी लंच हो गया है, लेट्स गो। स्लो आ बाय। हेलो, रुक जाओ भाई, रुक जा यार, मॉस्को जाना है भाई, रुक जाओ, आप तो रुक जाओ, कोई तो रुक जाओ। जेडी भाई कोई नहीं रुक रहा है, जेडी भाई लगता है अभी रुकने वाली है, गाड़ी है रुकने वाली है, पक्का लग रहा है जेडी भाई को, गट फीलिंग हो रही है, अरे माँ कसम गाड़ी ने तो गाड़ा रुक गया है। तो राइड मिला था, एक बस था मिनी बस, 700 रुपये में छोड़ रहे थे, बट हमने नहीं लिया क्योंकि हमको जाना है ही चेक करके जाना है। जी हाँ, रूल नहीं तोड़ना है, राइड्स आने नहीं थी, सेशन 2 को भी थोड़ा हॉल्ट दिया गया है, और अभी जेडी भाई और हमने डिसाइड किया है कि हम थोड़ा ये करेंगे, हम इधर से चले, पेट्रोल पंप जाएंगे, पेट्रोल पंप सीधा लग रहा है मुझे, हाँ सीधा जाते हैं, थोड़ा अभी थोड़ा कुछ खाते पीते हैं, ड्रिंक्स विंक्स हमारे पास बैग में थे, थोड़ा वो सब पियेंगे खाएंगे, 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे जर्नी वापस। ऐसा नहीं है कि मतलब राइड नहीं मिल सकती है, मिल सकती है, लेकिन क्या अभी इतना बोझ उठा के आए हैं तो थोड़ा खा लेते, पर कभी मिलेगी ये पता नहीं है भाई। नहीं वो भी है, जो है डेफिनेटली राइड मिल जाएगा, राइड मिल जाएगा जी हाँ। एक बार जो है ट्रक ड्राइवर से पूछते हुए यहाँ पे मॉस्को जा रहे हैं क्या, मना हो गया है आपको ऐसा ना के लिए जा रहा ना, ऐसी 1000 ना आएगी, तैयार है ना, हार नहीं मानना है, और हार मानोगे भी तभी कहाँ जाओगे, अटक गए हो तुम अभी। बहुत बैठ गया, अगर मैं बैठ जाता अंदर सो जाता, जेडी भाई की नहीं सुनता था तो शायद ये राइड नहीं मिलती थी, लेकिन जेडी भाई ने बताया कि पेशेंस रखना चाहिए, और
हार्ड वर्क करना ही चाहिए, अगर आया है तो खत्म करके ही छोड़ना है डायरेक्ट मॉस्को के। अगर आप रशिया में पढ़ रहे हो आपका एक फायदा है कि आपको रशियन आती है, तो फिर ये टेम्पो रुका है, टेम्पो दिखाओ जरा इनको, ये तो टेम्पो रुका है। तो फिर हमने ड्राइवर से बात किया कि हमको डायरेक्ट मॉस्को छोड़ सकते हैं क्या, मतलब कोई भी मॉस्को के आसपास, तो उन्होंने बोला कि मैं डायरेक्ट मॉस्को जा रहा हूं, तो फिर उन्होंने डायरेक्ट मॉस्को आ जाओ तुम मेरे साथ, ऐसा मतलब भाग ना जाए शायद, नहीं भागेंगे तो नहीं, हम डायरेक्ट अभी जा रहे हैं मॉस्को, दो राइड में मॉस्को पहुंचे डायरेक्ट। एक काम कर, एक बैग रख दे, मेरे बैग में रख दे, आदिन सुम कर दिस, आदिन अभी सब सामान वामान रख दिया है, ये लगा बैग लगे रहा, सामान रख दिया है अंदर, क्या बोलता है, अभी आ गए हैं ट्रक में, टेम्पो में, और ये हमको राइड मिल गई है एक और डायरेक्ट मॉस्को दियोर वाशिंगटन स्पसिबा चालू और एक्चुअली चालू हो चुका था, इसको सेशन 2.5 बता सकते हैं, क्योंकि ये जो जगह देख रहे हैं आप, यहाँ से हम पहले तो सेशन 2 था वो, 2.5 में हमने थोड़ा सा प्लान चेंज किया क्योंकि 2 घंटे हो गए थे, और रूल तो यही कहता है कि 2 घंटे से ज़्यादा अगर आप एक जगह पे खड़े हो और आपको नहीं मिल रही राइड, तो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। तो सेशन 2.5 हिच हाइकिंग इज डन, और शायद से एक छोटी सी राइड लेनी पड़ेगी मॉस्को में, देखते हैं, सीधा मिलते हैं मॉस्को में। यहाँ पे जो हमको टेम्पो मिला है उसमें ड्राइवर को हमने बोला है कि भाई कोई इंडियन गाने बजाओ, वैसे ड्राइवर कैटरीना कैफ को जानता है, और यहाँ पे इसको इंडियन गाने बजाने बोला है, उदित नारायण के गाने बजा रहा है भाई, उदित नारायण, उदित नारायण के गाने बजा रहे हैं भाई। खुश हो गया, खुश हो गया। वैसे हमको तो लेटेस्ट बॉलीवुड गाने पसंद होते हैं, बट अभी यहाँ पे ही चेकिंग में है, ऑटो स्टॉप में है, तो जो मिला वही अच्छा है, और तो उज़्बेकिस्तान से है उसको अगर ये गाने पसंद है तो बहुत ही अच्छी बात है, सब वाइब ले रहे हैं यहाँ पे, वाइब ले रहे हैं, एकदम चिल आउट होके जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। यार का नजारा दिखाओ एक बार, कैसा दिख रहा है, ये देखो हम टेम्पो, देखो टेम्पो में बैठे हैं, ऐसा दिख रहा है ऊपर से पूरा नजारा, आसपास पूरा जंगल एरिया है, देख सकते हो। जैसे कि ड्राइवर कैटरीना कैफ का फैन है और उसको नींद भी आ रही थी, वो बोल रहा था कि मुझे नींद आ रही है, बट तुम लोग मिल गए तो मुझे तुम्हारी वजह से अभी आना पड़ रहा है, तो उसको नींद ना आए वो भी हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम उनको यहाँ पे कैटरीना कैफ के जो है गाने सुना रहे हैं, कमली जी हाँ कमली, और उसकी वजह से वो यहाँ पे एकदम रेडी बैठे हैं। अभी हम आ गए हैं मॉस्को के गांव में, मॉस्को ओब्लास्ट में, यहाँ से मॉस्को थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 150-200 किलोमीटर दूर होगा, बस 150 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से, ये मॉस्को ओब्लास्ट है, ओब्लास्ट का मतलब गांव होता है। दो भैया सो रहे हैं, थक गए लगता है, पानी मत बोला ठीक है, कुछ कुछ है देख, पहुँच गए हैं उसी बात, पानी दे लिए हमारे एक्चुअली बैग्स पीछे। हाँ मेरा भी निकालना साइड में, एकदम गाड़ी तेज चल रही है यहाँ पे, और ये सामान निकाल दिया, हसी बात सुविधा ने, मजा आया कि नहीं, 250 किलोमीटर का राइड था ये, 100 किलोमीटर तो सो गया था। मैं और जेडी भाई बस में बैठ गए, 442 नंबर की बस है, डायरेक्ट मॉस्को जाएगी, 120 रुपीज़ का टिकट है या 120 रूबल्स का टिकट है, और जेडी भाई भी यहाँ पे मेरे साथ, ऑलमोस्ट ही चेकिंग हो ही गया था, सेशन 3 में हमको बस लेना पड़ा जो कि 120 रूबल्स में हो गया है। Finally, Parko Medi is here और पहुंच गए मॉस्को जेडी भाई के साथ। जेडी भाई कितना खर्चा हुआ? 150 रुपये हुआ था खर्चा भाई पूरा। कैसे स्प्लिट कैसे हुआ है? स्प्लिट मतलब स्मॉलिंग से जो सिटी से बाहर निकलने का किया ऑलमोस्ट 40 रुपये, और यहाँ बस में हमको लगे 120 रुपल्स, 160-150 हो गया ऑलमोस्ट, बस इतने में ही मॉस्को पहुँच गए। पैसे इतने लगे लेकिन एक्सपीरियंस कितना मिला? एक्सपीरियंस बहुत सही था भाई, एक्सपीरियंस क्या बताऊँ मैं आपको।
देखिए बहुत बहुत मतलब ही चेकिंग करने के बाद जो मॉस्को की फील आती है वो ट्रेन से आने के बाद नहीं आती। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हम जाने वाले हैं कल पेरेंट्स को पिक करने इनके। जी हाँ, मेरे पेरेंट्स को पिक करने वाले। वीडियो कंटिन्यू करेंगे कि भाई अपने पेरेंट्स का वेट कर रहे हैं, पता नहीं अभी कब आएंगे। फ्लाइट तो लैंड हो चुकी है, अभी वेट कर रही है अपना। यहाँ से आएंगे शायद से, यहाँ से जो जिनकी फ्लाइट आई है मतलब वो यहीं से आएंगे। देखते हैं अभी, शायद से 10-15 मिनट में आ जाने चाहिए।